मित्रों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग तो पूरा मिल्किंग के ऊपर ही रहने वाला है, जो भैंस का मिल्किंग है। पहले भैंस ने जब बच्चा दिया था तो एक बार मिल्किंग किया था, लेकिन तभी क्या हो कि कॉलेज चालू हो गई तो उसमें फिर वापस फुल मिल्किंग व्लॉग नहीं आ पाया था। तो आज उसी के ऊपर व्लॉग बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भाई लोग हैं उन्होंने कमेंट की थी कि एक फुल मिल्किंग के ऊपर व्लॉग बनाइए। तो आज वो आ जाएगा पूरा, जो बाकी गायों का तो दूध नहीं निकालते तो वो नहीं आएगा, एक भैंस का आएगा आज। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई भी दूसरा व्लॉग देखना चाहते हो आप तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वो व्लॉग। तो चले करते हैं व्लॉग, किसी में अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अभी होगा भैंस का मिल्किंग, तो इसमें क्या है, आज तो पूरा वीडियो मिल्किंग के ऊपर ही बनाना है, फुल मिल्किंग ब्लॉग। क्योंकि कई ज़्यादा भाइयों ने कमेंट भी की थी कि फुल मिल्किंग का ब्लॉग बनाए, और इसमें मैं भी मिल्किंग करूँगा। अभी तो भाई से गया है पूरी भैंस, वो अकेले ही दूध निकाल लेता है भैंस का। तो कटरी को ज़्यादा पिलाता है क्योंकि अरबी खट्टी है तो भूख भी ज़्यादा लगती है। अभी आज हम लोग पूरा फुल मिल्किंग के ऊपर आएगा। क्या था कि भैंस ने बच्चा दिया तब एक दो दिन, एक बार मैंने मिल्किंग का व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैं दूध निकाल रहा था। फिर तो कॉलेज स्टार्ट हो गई, उसके हिसाब से व्लॉग नहीं आ पा रहा था फुल मिल्किंग का। तो आज वापस वो सब एक साथ हो जाएगा, फुल मिल्किंग का व्लॉग और मैं भी साथ साथ में दूध निकालूंगा थोड़ा सा। भैया अभी सीख गया तो अच्छी बात है, मम्मी चाची को थोड़ी सी फुर्सत मिली है, वो अकेले सब कुछ दूध पूरा ये भैंस का निकाल लेता है, क्योंकि ये इतनी हार्ड है नहीं, दूध निकालने में एकदम नरम है, सॉफ्ट। बस अभी बहुत ज़्यादा पी लिया है क्योंकि ताकतवर है, इसलिए तुरंत ही दो तीन चार पाँच मिनट में तो कितना ज़्यादा जो है वो दूध निकाल लेती। तो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ताकतवर है ना, इसलिए खींच लेती है हाथ से। तो अभी भैया को थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू शुरू में क्या है हाथ दर्द करने लगते हैं, ऐसे ही करना होता है। इसलिए वैसे निकल तो लेगा लेकिन थोड़ी सी देर लगेगी, अगर एक्सपर्ट इसमें हो जाए ना तो 5-10 मिनट का ही ये काम है। और इतने ज़्यादा एनिमल रखते नहीं हैं, मतलब कि एनिमल वैसे तो ज़्यादा है लेकिन दूध देने वाले अभी इतने नहीं हैं, और वो वाली भैंस का भी साथ साथ में हो ही रहा है मिल्किंग। वो तो हमें पास भी नहीं जाने देती, तो उसका मिल्किंग करना हमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलो अब मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगा क्या हाल रहता है, देखते हैं। तो अभी मम्मी वहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा आराम मिला है क्योंकि ये एक भैंस का भैया मिल्किंग कर लेता है तो भी कितनी काम में फुर्सत हो जाती है, क्योंकि इतना सब हैंडल करना हार्ड होता है। जो एनिमल रखते हैं उनको पता कितना मुश्किल है,
उसमें भी देखो ये बारिश में बहुत ज़्यादा ये पूरा बिगड़ जाता है। भैंस इतनी वो क्या है कि किसी को भी दूध निकालने देती है, बहुत ही शांत मिजाज की है वो, अच्छी बात है। और भैंस मिल्क भी बहुत ज़्यादा करती है, अभी तो कटोरी को हम ज़्यादा पिलाते हैं इसलिए नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी देखो ये पूरा जो तपेला है ना, बोखड़ा बोलते हैं हम, वो पूरा भर देगी। और उसमें क्या है कि अगर कोई नया है ना सीखा हुआ आदमी जो अभी मिल्किंग करना सीख रहा है, वो मिल्किंग करे ना तो देर लगती है ना मिल्किंग में, तो भैंस दूध कम करती है। अगर झड़प से हम निकाल लें ना दूध तो मिल्क ज़्यादा होता है, वो आपको पता होगा जो एनिमल रखते हैं उनको। तो सोचा कि पूरा जो ब्लॉग है आज मिल्किंग के ऊपर ही रखेंगे, ताकि आपको क्या है एक देखने में मज़ा आए, और जो जिन भाइयों ने कमेंट की थी ना उनके लिए खास तो ये है। अभी गायों का मिल्किंग नहीं होता इसलिए वो नहीं आएगा कई दिनों तक, अभी दोनों भैंस का ही करते हैं। गाय बच्चा देगी लेकिन तब की बात तब, अभी तो ये है। तो ये जो पूरा बर्तन है जिसको हम बोखड़ा बोलते हैं गुजराती में, ये पूरे 9 लीटर का है, 9 केजी का। और अभी इसमें थोड़े से ऊपर ऊपर झाग होंगे फीण, तो 7 लीटर के आसपास इसमें मिल्क है अभी, 7-7.5 लीटर। और कटड़ी को हम पिलाते हैं 2 लीटर शायद, मेरे हिसाब से 2-3 लीटर पिला देते हैं एक टाइम का, क्योंकि शुरू शुरू में ही ज़्यादा पिलाना होता है, बाद में धीरे धीरे कम करते जाएंगे। अभी वापस लास्ट में थोड़ा सा बचा है ना वो वापस पिला रहे हैं, पहले तो सबसे पहले अपने वीडियो में देखा कि पिला ही दिया था, अभी वापस। और पीछे का जो मिल्क आता है ना भैंस का दूध निकालने के बाद का, वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रोटीन वाला होता है इसलिए वापस से थोड़ा सा पिलाते हैं। और कटड़ी देखो हाइट में ज़्यादा बड़ी है वैसे। तो बस मैं आज के व्लॉग में तो मिल्किंग के ऊपर ही पूरा व्लॉग था, जिन्होंने भी कमेंट की थी उसी हिसाब से मैंने व्लॉग बनाया था। तो आगे आपको कौन सा भी व्लॉग देखना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं जो वो पॉसिबल हो पाएगा तो ज़रूर मैं व्लॉग बनाऊंगा। और अभी तो क्या हो रहा है कि मिल्किंग का अभी आज तो अपलोड कर दिया है, अपलोड हो जाएगा ये वाला, लेकिन फिर आगे कब अपलोड होगा वो नहीं पता, कभी मिल्किंग का वापस आएगा इसलिए आज तो बने दिया, अभी आगे का आगे देखेंगे, क्योंकि कॉलेज चालू है इसलिए मैं भी आप सभी को मिस कर रहा हूँ। और आप सब भी कमेंट में बता रहे हैं कि व्लॉग कब अपलोड होगा, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जब छुट्टियाँ होंगी तब जब व्लॉग बनेंगे वापस, हर रोज़ बनाएंगे, लेकिन अभी तो गैप से ही चलेंगे, गैप बीच में रखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी होती है इसलिए। बाकी मिलेंगे फिर आने वाले व्लॉग में, कब आया वो तो मुझे भी नहीं पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान जय किसान, जय भारत, जय हिंद।